तो आज मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर इस मंथ की टॉप टू सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही दो लेटेस्ट स्मार्ट वॉच जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और साथ ही इन दोनों स्मार्ट वॉच की प्राइस भी यहाँ पर सेम देखने को मिलती है। तो मेरे राइट साइड के अंदर यहाँ पर है नोइसी कलरफिट क्यूब टू स्मार्ट वॉच और मेरे लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर है फायरबोल्ट की हंटर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले इन दोनों स्मार्ट वॉच का कंपेरिजन और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में से किसके लिए जाना चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए करते इस वीडियो को यहीं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे कंटेंट्स मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं इनके बॉक्स से जो कि यहां पर कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं और बॉक्स के अंदर इनके कंटेंट्स भी हमें यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं जो कि अभी आप देख सकते हो। और यहां पर आती है अपनी दोनों स्मार्ट वॉच जिनका लुक आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो जो कि लुक वाइज यहाँ पर दोनों स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इनके बिल्ट और डिजाइन की। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच के अंदर हमें यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की बिल्ट मिलती है जिसकी वजह से ये दोनों स्मार्ट वॉच यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट वेट की मिलती है। और पोर्ट्स और बटन की बात करें तो इन दोनों स्मार्ट वॉच के अंदर यहाँ पर पोर्ट्स और बटन का सेम ही प्रोफाइल देखने को मिलता है जो कि अभी आप देख सकते हो। और इस साइड है यहाँ पर इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पीकर ग्रिल्स। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इन दोनों स्मार्ट वॉच की यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। चलिए अब करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच को पावर ऑन। और पावर ऑन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो नॉइस क्यूब 2 के अंदर हमें यहाँ पर 1.96 इंच की डिस्प्ले मिलती है और वहीं पर फायरबोल्ट हंटर के अंदर हमें यहाँ पर 2.01 इंच की बिग डिस्प्ले मिलती है। हालांकि 1.96 इंच भी काफी ज्यादा बिग साइज है बट दोनों के कंपेरिजन में हमें यहाँ पर हंटर की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा बड़ी लगती है बट डिस्प्ले क्वालिटी हमें यहाँ पर इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिसेंट मिलती है जिनको हम फुल ब्राइटनेस के साथ इजिली आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों स्मार्ट वॉच के अंदर हमें यहाँ पर व्यूविंग एंगल भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम इन दोनों स्मार्ट वॉच के उन फीचर्स की जो कि इन दोनों के अंदर हमें यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हेल्थ फीचर्स की बात करें तो दोनों के अंदर हमें यहाँ पर हार्ट रेट, SPO2, स्लीप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही इन दोनों के अंदर हमें यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। इनके अलावा आपको इसके अंदर बेसिक फीचर्स जैसे कि म्यूजिक, क्लॉक, ब्रीथ एक्सरसाइज, AI वॉइस असिस्टेंट और गेम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही हमें यहाँ पर क्यूब 2 स्मार्ट वॉच के अंदर कैलकुलेटर फीचर भी मिसिंग मिलता है जो कि हमें यहाँ पर फायरबोल्ट के अंदर मिल जाता है। बात करें अगर इनके बैटरी बैकअप की तो फायरबोल्ट हंटर के अंदर हमें यहाँ पर 5-6 डेज का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा और नॉइस क्यूब 2 के अंदर आपको यहाँ पर 6-7 डेज का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। ये दोनों ही स्मार्ट वॉच यहाँ पर IP67 रेटेड प्रोटेक्शन के साथ आती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही इन दोनों स्मार्ट वॉच का पिक्सल रेजोल्यूशन भी लगभग सेम ही देखने को मिलता है। स्पोर्ट मोड की बात करें तो यहाँ पर फायरबोल्ट के अंदर आपको यहाँ पर 120+ स्पोर्ट मोड मिल जाएंगे और वहीं पर नॉइस के अंदर आपको यहाँ पर 100+ स्पोर्ट मोड मिल जाएंगे। डिस्प्ले बेजल्स हमें यहाँ पर फायरबोल्ट के अंदर काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं एस कम्पेयर टू नॉइस जिसकी वजह से हंटर की डिस्प्ले यहाँ पर थोड़ी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। और इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का यूजर इंटरफेस भी काफी ज्यादा स्मूथ है बट मुझे यहाँ पर नॉइस की स्मूथनेस काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो अब आते हैं हम अपने फाइनल कंक्लूजन पर। और अगर मैं आपको मेरा फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो मुझे यहाँ पर फायरबोल्ट की हंटर ज्यादा अच्छी लगी एस कम्पेयर टू नॉइस क्योंकि दोनों स्मार्ट वॉच यहाँ पर हमें सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं बट फायरबोल्ट के अंदर हमें यहाँ पर एक बिग डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही इसके जो बेजल्स है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं और इनके अलावा यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो भी एस कम्पेयर टू नॉइस यहाँ पर काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। और फायरबोल्ट के अंदर हमें यहाँ पर कैलकुलेटर और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर हमें नॉइस के अंदर नहीं मिलते। और साथ ही नॉइस की स्मार्ट वॉच के अंदर हमें स्क्रीन टाइम आउट को सेट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी ज्यादा अनोइंग चीज है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में से आपको किसके लिए जाना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फायरबोल्ट हंटर के लिए जरूर जाइए क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज के लिए स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा अच्छी स्मार्ट वॉच है। तो आज की अपनी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।